देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। गोवा वाले बीच पे गौरी आंखें मीच के ठंडी ठंडी हवा चलेगी, मिलेंगे फिर से फोटो खींचने। गोवा का कुछ इसी तरह का अंदाज रविवार को इंदौर के जीन सोशल ग्रुप की जीनियस ग्रुप की पार्टी में दिखाई दिया। आज दिगंबर जीन सोशल ग्रुप जीनियस ने गोवा की थीम पर पार्टी का आयोजन किया, जहां पर 400 सदस्यों द्वारा खूब सारी मस्ती, डीजे पर शानदार डांस, कैसिनो का मजा, बच्चों के लिए स्पेशल शानदार गेम्स, मानसून के सुहाने मौसम में गर्मा गर्म भुट्टे और पकोड़े, समुद्र की लहरों के साथ पूल पार्टी, कैसिनो एवं सेल्फी जोन के सदस्यों ने खूब आनंद लिया। मीटिंग के प्रमुख संयोजक आशीष वैशाली जैन, राहुल निधि जैन, प्रतीक शीतल अग्रवाल, विजय आरती जैन ने बताया कि गोवा की थीम पर शानदार वेशभूषा के साथ लगभग 150 दंपति सदस्य एवं 100 बच्चों ने गोवा थीम पर आधारित विभिन्न तरह के गेम्स खेलकर खूब सारे उपहार जीते। आज के इस मीटिंग में प्रारंभ से ही सभी सदस्यों ने खूब एंजॉय किया। संयोजकों ने एंट्री पर सभी कपल को पुराने एक्टर एक्टर्स के नाम दिए और उन्हें पुरानी और नई फिल्मी गानों पर तुरंत स्टेज पर परफॉर्म करना था। किसी को अमिताभ बच्चन रेखा की जोड़ी की धुन मिली तो किसी को अजय देवगन काजोल की धुन मिली और उस पर 5-5 कपल्स ने स्टेज पर फिल्मी गीतों पर डांस कर पुराने कलाकारों की याद दिला दी। सेल्फी प्रतियोगिता में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रुप सचिव जितेंद्र पोरवाल ने बताया कि मीटिंग के अंतर्गत ग्रुप संस्थापक संरक्षक विजय जी बड़जातिया को मुमुक्षु समाज में मध्य भारत के अध्यक्ष पद की प्राप्ति कर समाज हित में एवं धार्मिक आयोजनों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्रुप द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। जानकारी से बुजुर्ग तक की गतिविधियों का मंच से वाचन किया गया एवं अनेकों सामाजिक सेवा जो ग्रुप के माध्यम से जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर सदस्यों द्वारा की जाती है, इसकी जानकारी मंच से अपने उद्बोधन में दी और सभी सदस्यों ने ताली बजाकर अनुमोदना की। ग्रुप अध्यक्ष संजय बड़जात्या, संरक्षक अक्षय कासलीवाल ने कास्ट अकेडमी के 60 बच्चों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर मंच से सम्मान किया। इस अवसर पर फास्ट एकेडमी के डायरेक्टर सिंघाई सर एवं जूही मैडम उपस्थित थी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फास्ट एकेडमी से अभी तक 103 बच्चों ने परीक्षा पास कर इंटरव्यू में विजेता होकर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्तियां हो चुकी है। फास्ट एकेडमी में बच्चों को निशुल्क शिक्षा एवं रहने की जगह प्रदान की जाती है। मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने ताली बजाकर बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से दिलीप पाटनी, महावीर जैन, राकेश पाटनी, आनंद गौदा, शरद जैन, गिरीश गुवाड़िया उपस्थित थे। ग्रुप के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मीटिंग संयोजक आशीष वैशाली जैन ने बताया कि ग्रुप इतिहास में पहली बार मनोरंजन गेम्स की बागडोर बच्चा टोली ने संयोजक बनकर संभाली और बच्चों को बड़ों को खूब एंजॉय कराया, जिसमें विशेष भूमिका अनुश्री सेठी, यथार्थ कासलीवाल, मानव जैन, कृषिका जैन ने निभाई। ग्रुप के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बच्चों के कार्य की प्रशंसा करते हुए मंच से सम्मान किया। मीटिंग संचालन अक्षय कासलीवाल एवं आशीष जैन ने किया। आभार ग्रुप अध्यक्ष संजय बरखा बड़जात्या ने व्यक्त किया। क्या होगा कि फिर उसके बाद तो आप गेट के बाहर खड़े ही रहेंगे, मिलेगी और चाय वाय पीने को भी मिलेगी। कोऑप्टेंशन ऑफिसर, कंट्रोल की दुकान चाहिए हो तो आप सोनम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आना उसके लिए भी। संदीप जन इसमें पति भी हैं और साथ सलोनी जैन,
इनका चयन भी कमांड सर्विस में हुआ है। तो अभी ये ट्रैक्ट आप लोग लेते हो तो आपका पेमेंट रिलीज करने में दोनों क्योंकि मौसम ही ऐसा है अभी यार, चाहे गोवा हो जाए कि इंदौर में जाए, मौसम के हिसाब से पार्टी की थीम सोच गई थी। हमारे ग्रुप के द्वारा जो भी पार्टी की जाती है वो किसी थीम पे आधारित होती है। ये मौसम सावन का महीना है, हरियाली का मौसम है, उसके हिसाब से इस गार्डन को चुना गया था। वो उसी के आधार पर सारा आयोजन किया गया, फिल्मी गानों पर सबने नृत्य किया, इंजॉय किया, मजे किया। अब रहा सवाल सम्मान करने का, तो वो फॉरेस्ट IAS अकेडमी के बच्चों के यहाँ पे सभी बच्चों को बुलाया था, जो 125 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हमेशा वहाँ का रिजल्ट 60-70% से ऊपर आता है, और आज तक जब से फॉरेस्ट अकेडमी बनी है 100 से अधिक बच्चे शासकीय अधिकारी बनकर बड़ी बड़ी शासकीय पोस्टों पर पदस्थ हो चुके हैं, अपने सेवा का कार्य दे रहे हैं। अभी भी 10 बच्चों का इसमें चयन हुआ है, जो शायद 15 अगस्त तक उनका प्लेसमेंट हो जाएगा। कोई जेल के अधिकारी बन के जा रहा है, कोई CM के मीटिंग में CM की कमेटी में जा रहा है, कोई लेखा अधिकारी बन रहा है, कोई किस में बन रहा है। सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस चल रही है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, उन एक एक बच्चे के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि वो अपना करियर अच्छे से बना सके, वो पीछे नहीं रह सके। पर आप जैसा देखते हैं कि हमेशा 100% आना मुश्किल है, पर 70% यदि रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो बच्चों की काफ़ी मेहनत है, ग्रुप के डायरेक्टर जो हमारी बिटिया जो भी देखती है उसकी पर्सनल मेहनत उसमें काफ़ी है, जो सब बच्चों को आगे पढ़ाती है। और यही उद्देश्य है कि शासकीय कार्य में बच्चे भी आगे आएँ और अधिक से अधिक जन सेवा कर सकें, देश की सेवा कर सकें, प्रदेश की सेवा कर सकें और सभी धार्मिक वातावरण बना के आगे। जीनेस ग्रुप की पार्टी हमेशा ऐतिहासिक पार्टीज होती है, और हमारे इस ग्रुप के अंदर जितनी गतिविधियां और जितनी पार्टीज होती है अन्य किसी ग्रुप के अंदर होती नहीं है। यहाँ पर संयोजक से लेकर के और अध्यक्ष संस्थापक तक, अध्यक्ष सब कार्य करते हैं, निरंतर ग्रुप की गतिविधियां कितनी आगे से आगे बढ़े और हम कितना अच्छे से अच्छा कार्यक्रम हमारे ग्रुप के सदस्यों को दे सकें इस बात का पूरा विचार करते हैं। और संयोजक एक से बढ़ के एक हैं, हमारे यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं वास्तव में पूरा ग्रुप अभिनंदनीय है, संयोजक हर वक्त अभिनंदनीय है, गौरवान्वित है। और एक बताते हुए खुशी होती है, अभी राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जैन श्रमण संस्कृति के अंतर्गत जैन व्यक्तियों को लिया गया है सरकार के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी एक संस्था स्थापित हो जिसमें जैन समाज का प्रभुत्व स्थापित हो, सभी को साथ। गोवा की थीम पे तो पार्टी हमारी काफ़ी इच्छा थी, अभी हमारी गोवा ट्रिप भी गई थी, जो नहीं जा पाए थे उनकी काफ़ी इच्छा थी कि हम भी जाएं, तो हमने यहाँ ही उनको उस चीज़ का अनुभव दिलाया। और साथ में जो फास्ट अकेडमी का जो है बच्चे, हमारे अंकल की इच्छा थी कि उनको भी एक बार यहाँ बुला के सबको एंजॉय कराएं,
आज क्या क्या आयोजन दिन भर यहाँ पर हुए हैं? गेम्स खिलाए थे बच्चों को, बच्चों को अलग खिलाए थे। हमारे ग्रुप में आज करीब 80 से 90 बच्चे इसमें आए ग्रुप में, और सबने एंजॉय करा, और बड़ों के भी गेम्स थे साथ में। अभी कैसिनो वगैरह गोवा की थीम पे पूरा हो रहा है। निश्चित तौर पे एक अकल्पनीय मीटिंग आज रविवार के दिन रेवती रेंज पर्वत के बिल्कुल ठीक सामने मिस्ट्री गार्डन में संपन्न होने जा रही है। इस ग्रुप के परम संरक्षक हमारे मार्गदर्शक विजय जी भाजपा हमारे साथ हैं, दिलीप जी पाटनी अभी यहीं थे, अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष हमारे अक्षय जी कासलीवाल। इन तमाम लोगों की सोच जो है वो निश्चित तौर पर इस ग्रुप को इस देश का नंबर वन ग्रुप बना रही है। जैसा कि अभी विजय अंकल ने बताया कि जीनियस ग्रुप की एक और संस्था फास्ट अकेडमी, जिसके बच्चे पूरे देश में परचम फहरा रहे हैं, IAS IPS बनने को तैयार है, कई सैकड़ों जो है बच्चे पूरे देश में अपने नाम रोशन कर रहे हैं। तो जीनियस ग्रुप की जो अपनी एक जो सोच है वो नजरिया आती इससे जो पूरे देश में आज जीनियस ग्रुप के लोग सदस्य और साथ ही IAS अकेडमी के IPS और IAS के जो लोग हैं फास्ट अकेडमी के माध्यम से पूरे देश में अपना परचम फहरा रहे हैं, और उसी तारतम्य में आज ये मीटिंग जो कि सुबह 9 बजे से लेके गोवा थीम पर मानसून पर आधारित मीटिंग ये थीम आयोजित की गई। इस आयोजन में यहाँ पर स्विमिंग पूल शानदार है, कैसीनो यहाँ पर बनाया गया है, बच्चों मतलब बचपन से लेकर 55 तक सभी उम्र के लोगों के लिए एंजॉयमेंट का पूरा साधन इस मीटिंग में तैयार किया गया है। मैं हमारे अध्यक्ष संजय जी बरजात्या और सचिव जितेंद्र जी पोरवाल जो कि लगातार अपनी मेहनत अपनी एक अच्छी सोच के माध्यम से जो काम करते हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और उन्हें बधाई प्रेषित करता हूँ, और आगे भी वो इस तरह कार्य करते रहिए, मैं प्रभु से मंगल कामना करता हूँ। आयोजित की गई दिगंबर जैन सोशल ग्रुप जीनियस के सभी संयोजक गण के द्वारा, और आशीष जी, वैशाली जैन, राहुल, नीति जैन, प्रतीक, शीतल जैन, इनके द्वारा ये जो पार्टी आयोजित की गई है वो इसमें अलग अलग तरह के विभिन्न प्रकार के मनोरंजन गेम्स खिलाए गए हैं, जिसमें बच्चे और मध्यम जो जवान हैं और बड़े लोग हैं उन सबके प्रति ध्यान में रखते हुए सबके लिए आयोजन गेम का आयोजन किया गया है। कैसीनो की थीम भी रखी गई है, वो एक तरफ इंटेलिजेंस वाले गेम भी रखे गए हैं। गोवा को जो है इंदौर पे आज जो इन्होंने संजोया है, गोवा को सीधा इंदौर में उतार दिया गया है, और एक ऐसी फील समुद्र की लहरों के साथ करवाई है सब सदस्यों को, जिसमें लगभग 400 सदस्यों ने भरपूर इंजॉय किया, मनोरंजन किया, और गोवा का भरपूर आनंद इंदौर में लिया।